आगरा के सांसद केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपीसी बघेल के जन्मदिन पर दिन भर जन कल्याण के कार्यक्रम होते रहे। शुरुआत वृक्षारोपण से हुई, ब्लड डोनेशन कैंप, निराश्रित महिलाओं को साड़ी वितरण, गांधी कुष्ठ आश्रम में चैरिटी के साथ हेलमेट भी वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक जीवन में प्रमुख हस्तियों से निवेदन किया है कि वो अपना जन्मदिन समारोह के रूप में नहीं बल्कि सेवा भाव के साथ मनाएं। लोकसभा का सदन हो या फिर राजनीति करने का अपना तरीका, आगरा के सांसद कोई ना कोई उदाहरण प्रस्तुत जरूर करते हैं। सार्वजनिक जीवन यानी प्रमुख हस्ती के जन्मदिन मनाने की हमेशा खिलाफत करने वाले केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन पर जब उनके समर्थकों ने उन्हें समारोहों में आमंत्रित किया तो उन्होंने इसे जन कल्याणकारी रूप दे दिया। वे 63 साल के हो चुके हैं। उनके जन्मदिन की शुरुआत योगा के साथ हुई। उसके बाद उन्होंने सहाजा गार्डन में 63 पौधे रोप कर पर्यावरण सहेजने का संदेश आगराइट्स को दिया। सुबह से सबसे पहले तो आज उन्होंने योग किया इंटरनेशनल योगा डे पर, और उसके बाद हमने 63 पौधों का वृक्षारोपण किया साझा गार्डन में। उसके बाद 63 यूनिट ब्लड दिए गए यहाँ महाजन सभा भवन में। उसके बाद 63 हेलमेट से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, 63 भोजन की पूरी किट जिसमें 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो चीनी, ऐसे करीब 25 लोगों की एक किट बनाकर 63 लोगों को किट दी गई, और 63 सफाई कर्मचारी बहनों को जो है वो साड़ियाँ दी गई, और 63 लोगों को हेलमेट दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहर इकाई ने महाजन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 63 लोगों ने केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में रक्तदान किया। क्योंकि मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूं, बघेल साहब ने हमेशा कहा है कि अपना जन्मदिन हमेशा सेवा कार्यों से मनाना चाहिए, और उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने रक्तदान लगाया, और रक्तदान के अवसर पर हम 63 यूनिट रक्तदान करेंगे ऐसा हमने यहाँ प्रण लिया है। और इसी के साथ साथ मैं एसपीसी बघेल जी भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ही आपके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, और एक दिन आप, मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश और इस देश में और अच्छा आगे बढ़ेंगे और हम लोगों को नेतृत्व देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने रामबाग चौराहे पर 63 लोगों को हेलमेट वितरित किए, 63 सफाई कर्मचारी महिलाओं को साड़ियां वितरित की। उसके बाद वे कुष्ठ रोग पीड़ितों के बीच गांधी आश्रम जालमा पहुंचे, जहां खाद्यान्न के 63 पैकेट वितरित कर उनके साथ समय बिताए। इसलिए मैं कभी अपना जन्मदिन मनाता हूँ, मेरा मनाने का ये तरीका है, अपने समर्थकों के साथ सुबह योग किया है, फिर जितने साल 63 साल का मैं हो गया हूँ तो 63 वृक्षारोपण साझा पार्क में करके आए हैं, जिसके इंचार्ज ये राकेश शर्मा और हेमंत प्रजापति थे। अब आप देख रहे हैं यहाँ रक्तदान हो रहा है, 63 लोग रक्तदान करेंगे, हमारे शलू पंडित युवा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष उसके कन्वीनर हैं। इसके बाद 63 हेलमेट हम लोग भगवान टाकीज के पुल के नीचे खड़े होकर के बांटेंगे, हाँ वितरित कर चुके हैं, और इनमें से एक कोई ज़रूर हेलमेट किसी की जान बचाएगा। ये 63 यूनिट ब्लड निश्चित तौर से जान बचाएंगे। 63 वृक्षारोपण जो हम लोग कर रहे हैं, वो पेड़ अगर आधे भी सर्वाइव हो गए तो कहीं ना कहीं जल हम लोग पर्यावरण को ठीक करने का प्रयास करेंगे। कुष्ठ आश्रम है, समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, वहाँ जाकर के जो भी चैरिटी कर पाएंगे वो करने का प्रयास करेंगे। निर्बल वर्ग की 63 महिलाओं को साड़ी देने का काम करेंगे। तो मैं लोगों से, आगरा के लोगों से खासतौर से अपील करना चाहूँगा कि अपने जन्मदिन को, मैरिज एनिवर्सरी को, बच्चों के जन्मदिन को और अपने पुरखों की पुण्यतिथि पर हमें कम से कम रक्तदान और वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए, एंड चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। आगरा हरा भरा हो जाए अगर हम अपने पुरखों की स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी जन्मतिथि पर, बच्चों की जन्मतिथि पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, जितने साल के हो गए उतने वृक्ष और उतने रक्तदान करें तो ये एक बहुत बड़ा समाज पर उपकार होगा। भाजपा के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अपनी विवाक शैली और बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं। वह जनता के बीच रहकर जन कल्याण और लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करने के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। करीब 3 दशक के अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा और 1 बार प्रदेश विधानसभा चुनाव जीत कर प्रदेश और केंद्र में मंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त किया है। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।